विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने ब्रीफ किया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में 9 विधानसभा का चुनाव है और कलेक्ट्रेट प्रांगण में सभी का नामांकन होगा तथा पुलिस कर्मियों को नामांकन के बारे में जानकारी दिया गया कि कोविड-19 की वजह से भारत निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया है कि नामांकन कक्ष में केवल 3 ही लोग प्रवेश करेंगे, उसमें एक कैंडिडेट प्रस्तावक और तीसरा अन्य कोई व्यक्ति होगा। उन्होंने बताया कि 100 मीटर की रेंज में बैरिकेटिंग कर दिया गया है तथा जो भी प्रत्याशी आएंगे उनकी गाड़ियां नगर निगम सेंट एंड्रयूज कॉलेज में पार्किंग में खड़ी करेंगे। उन्होंने बताया कि नामांकन के दौरान न्यायालय बंद रहेगा तथा उन्होंने कलेक्ट्रेट न्यायालय के वादकारियों से अनुरोध किया कि जरूरी होने पर ही कलेक्ट्रेट न्यायालय परिसर में आए, उनके लिए 3 नंबर गेट से आ सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, 4 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक बीच में जो भी राष्ट्रीय अवकाश है या संडे है उस दिन बंद रहेगा, तो 6 तारीख को संडे है तो 6 तारीख को नामांकन नहीं होगा, ठीक है। प्रत्येक दिवस पे जो भी ड्यूटी का समय बताया जा रहा हो 9 बजे या 9 बजे, तो 9 बजे आपको आके अपना अपना पॉइंट संभाल लेना है। हमारा उद्देश्य केवल इसमें ये है कि इधर भी बैरिकेटिंग है, उधर भी बैरिकेटिंग है, वहाँ बाहर वो लोग संभालेंगे, बाहर से आप 5 को अलाउ कर दें, लेकिन ये वाला जो हमारा पॉइंट होगा, जो पर्चा लेने आ रहे होंगे उनको भी आप अंदर जाने देंगे, जाके मतलब नामांकन प्रपत्र जिसको कहते हैं बोलचाल की भाषा में पर्चा कहते हैं, तो अगर कोई पर्चा लेने आ रहा है तो वो भी साधिकार या कुछ पूछताछ करने भी अंदर आ सकता है। कोई भी व्यक्ति RO चैम्बर तक भाई पर्चा लेने के लिए या पर्चा लेकर के चला गया है उससे संबंधित अगर वो आता है कि आप पर्चे में उसको आप अंदर आने के, हाँ मजिस्ट्रेट भी रहेंगे, आप लोग भी रहेंगे, उसका फायदा उठाना चाहेंगे। नॉर्मली लोग नियम मैं बता दे रहा हूँ क्या है, नियम ये है कि जो हमारा नामांकन कक्ष है उसके अंदर 3 ही व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं। नामांकन कक्ष का मतलब उस कक्ष का मुख्य था, आप वहाँ तक 5 चले जाएं लेकिन अंदर आपको 3 ही को जाना है। हम यहाँ पे आपको इसलिए रोक रहे हैं जिससे आगे अव्यवस्था ना हो, हमें किसी के साथ अभद्रता नहीं करनी, कोई भी बात है मैं हमेशा यहाँ अवेलेबल रहूँगा, वो आकर के यहाँ पे खड़ी होगी। RO के लिए जो भी गाड़ी होगी, RO है या ARO है, उसकी गाड़ी वहाँ से आएगी और इसमें खड़ी हो जाएगी, अंदर तक आएगी। RO और ARO की गाड़ी अंदर आएगी, पुलिस अधिकारियों की गाड़ी अंदर आएगी, DM साहब की आएगी, हम लोगों की आएगी, हम लोगों की गाड़ियाँ आएंगी और यहाँ से, इसलिए कि उनको बीच में भी देखिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे जो चुनाव सेल के द्वारा ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, क्योंकि 100 मीटर का जो दायरा है उसके अंदर की सारी सुरक्षा व्यवस्था उनके द्वारा देखी जा रही है। बाहर के लॉ एंड ऑर्डर के लिए CO कैंट, SHO कैंट और सभी उनके निर्देशन में फोर्सेज रहेंगी। CCTV कैमरों की व्यवस्था की गई है, ड्रोन से भी नज़र रखी जाएगी और किसी तरह की कोई भी घटना अगर होती है तो उसके लिए QRTs हमने रखे हैं, रिजर्व में टीम रखी है, क्विक रिस्पॉन्स टीम्स रखी हैं, वो सब इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेंगे। नहीं, क्योंकि ये मुख्यतः पुलिस फोर्स ही लगाई जाएगी और बाकी मजिस्ट्रेट्स की भी ड्यूटी लगाई गई है DM सर के कार्यालय से और बाकी अधिकारियों की भी ड्यूटी लगी है। मैं सिंह डिप्टी DO गोरखपुर हूँ, हमारे जनपद में 9 विधानसभाएं हैं और आप जहाँ खड़े हैं ये कलेक्ट्रेट है, इसी प्रांगण में सभी का नामांकन होना है, तो नामांकन के नियम उनको मैं बता रहा था कि नामांकन के समय मेरा आपके माध्यम से सभी प्रत्याशियों के लिए अनुरोध है, इस बार कोविड गाइडलाइन की वजह से भारत निर्वाचन आयोग ने 1+2 अर्थात नामांकन कक्ष में 3 ही लोग प्रवेश कर पाएंगे, 1+2 का मतलब एक कैंडिडेट, उनका प्रस्तावक और तीसरा कोई भी जैसे उनके इलेक्शन एजेंट हैं या कोई एडवोकेट साहबान है तो वो आ सकते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि इसके 100 मीटर के दायरे में बैरिकेटिंग कर दी गई है, जो लोग भी आएंगे उनकी गाड़ियाँ नगर निगम का सामने हमारा पार्किंग है, नगर निगम में खड़ी कर सकेंगे और पीछे सेंट एंड्रयूज की पार्किंग है वहाँ पर खड़ी करेंगे, तो इधर शास्त्री चौक के चौराहे तक और उधर हमारा गोलघर का जो चौराहा है वहाँ तक गाड़ियाँ आएंगी और वहाँ से उनको पैदल आना होगा। इस दौरान हमारे न्यायालय बंद रहेंगे क्योंकि सभी में नामांकन की कार्रवाई होगी, अतः वादकारियों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर बहुत आवश्यक नहीं होगा तो कलेक्ट्रेट में ना आएं और यदि उनको आने की आवश्यकता पड़ती है तो कलेक्ट्रेट का गेट नंबर 3 उनके लिए खुला रहेगा, उधर से वो वकील साहबान के पास।